नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और सभी का अभिवादन आपके अपने चैनल टारगेट बिथालो माध्यम से। मैं संदीप तिवारी सभी एनटीपीसी अभ्यर्थियों का साथ साथ चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स का अभिवादन और स्वागत करता हूं। बहुत ही हर्ष के साथ हम कहते हैं कि हम लोग की एनटीपीसी की बैच अनाउंस्ड हो चुके हैं, जिसका कुशल मार्गदर्शन रवि सर और आलोक के माध्यम से हो रहा है। लोग इतने जिम्मेदार हैं जिनके माध्यम से बैचेस चल रही हैं, जिनका आप लोग भली भांति इन चीजों से परिचित हैं कि उन्होंने तमाम बैचेस अपने मार्गदर्शन में बहुत ही सुचारू रूप से चलाई हैं, जिसका हिस्सा आप हम सभी रहे हैं और हम सभी साक्षी हैं। हम इस बैच के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, उन तमाम एनटीपीसी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं जिन और अभिवादन करते हैं और साथ साथ उनको बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं जो हमारी बैच में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारी बैचेस के साथ लगना चाहते हैं, उनका भी पूरी तरह स्वागत करते हैं। चलिए, हमने जैसा आपसे वादा किया था मैथमेटिक्स की क्लास एनटीपीसी के लिए, हम आपको कंटिन्यू करा रहे हैं, हम इन चीजों को पढ़ा रहे हैं आपको, जिसमें आप कुछ एक सिक्वेंस वाइज चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू किया था। हमने आपको जैसे निर्देश दिया था कि हम एक से रह करके धीरे धीरे टॉपिक्स को जो है आपको लाइव पब्लिक बैचेस में आपको थोड़ा थोड़ा कराते रहेंगे, जहां पे एक वीडियो आपके किसी ना किसी मार्क्स को सफेद बे में कवर करता है, मतलब किसी एक वीडियो के माध्यम से भी आप कुछ ना कुछ अंकों को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। हमारा यही सार्थक प्रयास रहेगा, हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आपकी सफलता में हम सब सारथी बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा निर्देश आपको और देना चाहेंगे कि यह क्लास एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर रहेगी जो देखने में बहुत ही टफ होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है, लेकिन आज हम प्रयास करेंगे कि हम उस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व कराएं। जाते जाते बैच से संबंधित कुछ और निर्देश भी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड चीजों को लेकर के कंटिन्यू करने जा रहा हूं। सबसे पहला हमारा अप्रोच है कि हम आपको आपके तैयारी में कुछ ना कुछ योगदान दिला सकें। जैसे पिछली क्लास आप सबको पता है, हमने आवर्ती भिन्नों के बारे में आपसे क्लास स्टार्ट करी थी। आवर्ती भिन्नों का हमने बेसिक अप्रोच आपको क्लास में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से किसी भी आवर्ती भिन्न को हम नॉर्मल उनके समतुल्य भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस क्लास को आपने बखूबी पढ़ा और समझा और मेरे ख्याल से टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया। लेकिन एनटीपीसी दो फेजेस में आयोजित होने वाली परीक्षा है, अर्थात एक फेज से ही काम नहीं चलने वाला है, मतलब बेसिक लेवल से एकदम से काम नहीं चलेगा, बार बार आपको बताते आए। इसमें आपको किसी भी हालत में बहुत ही हाई लेवल पे रहकर के भी चीजों को समझना और पढ़ना है। तो मतलब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को भी फेस करेंगे, वो चाहे सीबीटी 1 का होगा, चाहे सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, जिसमें आपको आवर्ती भिन्नों को जोड़ना घटाना गुणा भाग भी करना पड़ेगा। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम आज की क्लास में आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे आप जब कभी भी कोई परीक्षा देते हैं या नॉर्मली कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और रेलवे का पर भी उठाकर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न नजर आएंगे, आपको छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे। उसके पहले मैंने आवर्ती का एक थोड़ा सा अप्रोच मैं आपको और बता देना चाहूंगा। जैसे कभी किसी संख्या के ऊपर बार लगा करके दिखाया गया हो तो उसका मतलब होता है कि वह वैल्यू अपने आप को दोहरा रही है, मतलब बार बार वह वैल्यू अपने आप को दोहरा रही है। और कब तक दोहराती चली जाती है? अनंत तक दोहराती चली जाती है। इन केस अगर ये 0.12 के ऊपर ही केवल बार होता तो ये वैल्यू 0.122222 अनंत तक लिख करके आपको दिखाना पड़ता। या हम कह सकते हैं कि अगर ये मान लीजिए 5.357 के ऊपर बार होता तो हम इसको 5.357 और ऐसे ही अनंत करके दिखा सकते हैं। मतलब ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है आवर्ती भिन्न का उनके एक्सपेंडेड फॉर्म में, उनके प्रसार के रूप में। हम इन्हीं आवर्ती भिन्नों के उन टिपिकल प्रश्नों को करेंगे आज की क्लास में और उनको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए कुछ प्रश्नों की बात की जाए जो प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ ईमानदारी से कह सकता हूं कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको परेशान करते हैं और ऐसे एनटीपीसी की परीक्षा में जरूर आएंगे। तो चलिए उन प्रश्नों में सबसे पहले कुछ बेसिक प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जो आपको जोड़ने और घटाने से संबंधित प्रश्न होंगे जो कि आवर्ती भिन्नों पर डिपेंडेंट हैं। जैसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न तो बड़ी बखूबी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा 0.11 के ऊपर बार, 0.22 के ऊपर बार, सही से प्रदर्शन देख करके तुरंत आंसर बताया जा सकता है। उत्तर आपके ऑप्शंस आते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शंस में भिन्न भी लिखा जाता है और आवर्ती भिन्न भी लिखा जाता है। 90% चांस होता है कि अगर आवर्ती भिन्न का क्वेश्चन है तो उत्तर भी आवर्ती भिन्न में आता है। अगर भिन्न में निकालना है तो एक आसानी होती है, लेकिन भिन्न में नहीं करना है तो जाहिर सी बात है आवर्ती लाने के लिए आपको समस्या बनेगी। आप इसको, कुछ लोग कहेंगे कि हम इसको 11/99 कर दें और इसको हम 22/99 कर दें, जोड़ दें तो 33/99 होगा, अर्थात 1/3 होगा।
लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना करके, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसे ही बड़े प्रश्न बनेंगे तो आपको इतनी आसानी से आप भिन्न बनाकर नहीं कर सकते हैं। तो इसको करने का एक सिस्टमेटिक सिंपल सा तरीका आप देखिए, तो डायरेक्टली क्योंकि संख्याएं बड़ी छोटी छोटी हैं, तो डायरेक्ट आप 0.11 का बार, 0.22 का बार, डायरेक्ट 0.33 का बार लिख सकते हैं। और अगर एग्जाम में ऐसे लिखा है तो आप इसको 0.3 का बार भी लिख करके दिखा सकते हैं। पिछली कक्षा, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर लगातार एक ही पद के ऊपर बार लगा है तो उसको आप केवल एक ही नंबर के ऊपर बार लगाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए, इस प्रश्न में तो कोई असुविधा, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रश्न का लेवल बढ़ेगा समस्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं आप दिखाता हूं किस प्रकार से आप प्रश्नों को और फेस करते हैं और क्या प्रॉब्लम सफर करते फेस करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार के और प्रश्न आपके आ सकते हैं। देखिएगा, सेकंड नंबर प्रश्न की बात करें तो हमने कहा जैसे आप 0.12 और केवल 32 के ऊपर बार लगा है, यहां पे हमने कहा 0.23 और केवल 3 के ऊपर बार लगा है। बेसिक कैलकुलेशन करने का तो यही है कि हम यहां पे क्या कह दें कि हम इसको, आप देखिए, आपको जब कन्वर्ट कराया तो मैंने बताया भैया कि 12-1 होता है, 12-1 बटा इसको हम 90 लिख सकते हैं, इसको हम 23-2 हम 90 लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात, आप इसको 11/90 लिखेंगे और इसको हम 21/90 लिखेंगे। अगर हम जोड़ेंगे तो इसको हम 2 और 3 33 32/90 कह सकते हैं। अभी 32/90 को आवर्ती में लिखना बड़ा टफ होता है, 32/90 को आवर्ती में लिखना बड़ा आसान नहीं होता है। इसी का हम एक बेसिक तरीका आपको बताने जा रहे हैं जो ऐसे छोटे प्रश्नों को भी हल कराएगा और बड़े से बड़े प्रश्नों को भी सॉल्व करने का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसी का शॉर्ट तरीका एक समझिएगा सब लोग, आप इन तमाम प्रश्नों के लिए एक टेबल बनाते हैं। हम लोग टेबल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन में भी नोटिस किया था, यहाँ पे 2 पद थे जिसके ऊपर बार नहीं लगा था। जो बार नहीं लगे होते पद हुए हैं उनको आप बाहर रखेंगे। इसमें भी आपके पास 0.2 था तो हमने 0.2 यहाँ पे रखा। अब आपको करना है कि देखना है कि इसमें कितने पदों के ऊपर बार लगा है, इसमें कितने पदों के ऊपर बार लगा है। अगर समान पदों के ऊपर बार लगा हो, पहली चीज, समान पदों के ऊपर बार नहीं लगे होने की स्थिति में आप जितने पदों के ऊपर बार लगा होता है उनका लासा ज्ञात करते हैं, लेकिन अगर समान पदों के ऊपर बार लगा है तो जितने पद के ऊपर लगा है वही उसका लासा होता है। ऐसी स्थिति में हम 2 को यहां लिखेंगे, 3 को यहां लिखेंगे और हम यहां पे 2-2 पद यहां बढ़ा देते हैं इसका, और ये हमेशा बढ़ाया जाता है, लेकिन यहां पे तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर आगे जब बड़े प्रश्न बनेंगे तो वहां पे इसकी भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि ये आपको हासिल के तौर पे बढ़ाते हैं और घटाते भी हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो 5 आया, ये 5 आया, इसको भी जोड़ा तो 5 आया, इसको जोड़ा तो 3 आया, ये 0.35 के ऊपर बार हो गया। 0.35 के ऊपर बार हम इसको अंदर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मान सकते हैं। हम इसको भी देख करके 0.35 के ऊपर बार कह सकते थे, लेकिन डायरेक्ट कन्वर्ट करना बड़ा ही टफ हो जाता। ऐसी स्थिति में आप इस टेबुलर सिस्टम का अप्लाई का एप्लीकेशन यूज करिए और ऐसे हम उन प्रश्नों को जो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं प्रश्नों के लेवल को और बढ़ाता हूं, प्रश्नों का लेवल और बढ़ाया जाए तो देखिए आप कैसे इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। अब हम केवल टेबल सिस्टम अप्लाई करेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। 0. जैसे मैंने कहा 1, 2, 3 के ऊपर बार है, मैंने कहा 0.546 केवल 6 के ऊपर बार है। अब ध्यान देने की बात है कि यहां पे 2 पदों के ऊपर बार लगा है, यहां पे 1 पद के ऊपर बार लगा है। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो टेबल बनानी है। टेबल बनानी है, टेबल में आपको पहले उन पदों को रिपीट करना है जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। मैंने एक चीज नोटिस किया, इसमें ऐसे ज्यादा अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, इसमें 2 हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, अर्थात सबसे पहले आप इनको लिख दीजिए 0.54। अब आप क्या करें, इनमें नोटिस करिए तो इसमें केवल 1 पद था जिसके ऊपर बार नहीं लगा, लेकिन मुझे यहां पे भी इसको भी 2 पदों में लिख के दिखाना है। 2 पदों में आप 0.1 के बाद 0 नहीं लगा सकते। कुछ लोग इसको दिमाग में चलता है 0 लगा दे, आप 1 के बाद सोचिए क्या है, आपके पास 1 के बाद 2, 3, 2, 3, 2, 3 इनफिनाइट टाइम तक गया हुआ है, तो आपको वहां से केवल 1, 2 उतार लेना है। आपको वहां से केवल 1, 2 उतारना है क्योंकि आपको इसको 2 पद बनाना था। 2 के बाद में 3 आएगा, फिर 2, 3, 2, 3 मतलब इसके रिपीटेशन की बात है, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ऐसे अनंत तक बढ़ा था, जिसमें से आपने इस 2 को यहां रखा है, इसका 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। आप इसको कितनी बार लिखेंगे
इसको समझिए, इसके ध्यान देना होगा कि इसमें अगर दो पदों के ऊपर बार लगा है, इसमें केवल एक पद के ऊपर बार लगा है, तो दो और एक का लसा दो होता है, अर्थात आपको दो पदों को बीच में रखना पड़ेगा। आपने थ्री लिया, थ्री के बाद आपका टू आएगा। अब यहां पे भी जाएंगे तो हमने 0.54 एक दिया था, तो बचा था मेरे पास सिक्स, और वही सिक्स का रिपीटेशन कई बार हुआ है, तो सिक्स सिक्स मतलब दो बार हम यहाँ पे भी लिखेंगे, पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे दो दो पद लेना होता है, भले ही उनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका प्रयोग होता है, बड़े बड़े प्रश्नों में उनका प्रयोग किया जाता है। आइएगा, जब आपने 2-3 लिखा था तो इसके आगे भी 2-3 होगा, फिर आपके पास 2 आएगा। दो पदों की बात करिए तो देखिए 2-3 फिर 2-3 फिर इसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू हमारा होता चला जाता। 6 तो हमेशा वही पद आपका रिपीट कर। अब आप देखिए जोड़िए तो 6-8 होता है, 6-3-9 होता है, 6-8 होता है, 6-3-9 होता है, 5-4-6 होता है, 5-6 होता है। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, 0.6698 ऊपर बार आएगा, जो क्वेश्चन नॉर्मल करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। 0.6698 के ऊपर बार इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। मेरे ख्याल से चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। 2-3 प्रश्नों को और कर लेने के बाद आपको इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूं, मैं पूरा दावा करता हूं कि आपको ऐसे किसी भी प्रश्न में कोई असुविधा नहीं आएगी, अगर आप सही तरीके से इन मेथड को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, प्रश्नों को और उठाते हैं। ऐसे किसी और प्रश्न को अगर हम लेकर चले हैं तो आप देखिएगा कैसे उसको सही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी बड़े प्रश्न को उठा सकते हैं, किसी छोटे प्रश्न को उठा सकते हैं, आप कितने भी लेवल का प्रश्न। देखिए 1 point मैंने 2-3 के ऊपर बार लगाया, मैंने यहां पे 5.468 के ऊपर बार लगाया, मैंने यहां पे 6-8 रखा, कितना ऐसे में यहां पे केवल एक पद के ऊपर बार था, यहां पे दो पद के ऊपर बार था, भिन्न बना के करना एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो मतलब संभव नहीं नॉर्मली आप भिन्न बनाकर ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। आप अगर सीरियसली यहां पे चीजों को समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी आराम से दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, आप फिर से ऐसे टेबल बनाइए। टेबल में ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें होती हैं। पहले भाग में वो पद आते हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, दूसरे भाग में वो पद आते हैं जिनके ऊपर बार है, तीसरे पार्ट में हमेशा और हमेशा दो ही पद आते हैं जो रिपीटेड होते हैं, उनको दो बार लिखा जाता है। लेकिन हम बार कितने पदों को नोटिस करना है इसको भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे आप देखिए यहां पे दो पदों के ऊपर बार लगा है, यहां पे एक पद के ऊपर बार लगा है, तो दो और एक का लासा निकाल दिया करिए। दो और एक का लासा हमेशा दो होगा, अर्थात बीच में केवल दो पद आएंगे, बीच केवल दो पद आएंगे। अब देखिएगा सबसे पहले नोटिस करिए इसमें कितने पद है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, 5.4। इसमें कितना है, A1.2। अब देखिए कौन सा पद रिपीटेड है, 3, लेकिन लिखना कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि लासा कितना है, 2। ला क्यों 2 था, क्योंकि इसके ऊपर बार 1 बार, इसके ऊपर बार 2 बार, तो आप यहां पे 3 को 2 बार लिखेंगे। और हमेशा जो रिपीटेड पद है उसी को आपको यहां पे 2 बार जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपका कैल्शियम आपका जो है कैरी भी बनता है, मतलब आपके पास हासिल भी आता है। आगे चलिए 6-8, क्योंकि दो ही चीज रिपीट हो रहा है 6-8। अब आप देखिएगा तो खुद ही आपको उसका एहसास होगा, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। 8-3-11 होता है कैरी 1, 6-3-9-1-10 कैरी 1, 8-3-11-1-12 कैरी 1, 6-3-9-1-10 कैरी 1, 4-2-6-7, 5-1-6। सही सही उत्तर इससे कोई मतलब नहीं। अब 6.7602 के ऊपर बार, 6.702 के ऊपर बार इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। 6.702 के ऊपर बार इस क्वेश्चन का सही उत्तर माना जाएगा। जो बार का प्रश्न आपके लिए बहुत ही टफ होता था वो मेरे ख्याल से अब आसानी से आप कर सकते हैं और सकते हैं। ये चाहे जोड़ के प्रश्न हो चाहे घटाओ के, फिलहाल जोड़ का एक प्रश्न और उठाऊंगा जिससे कि और जल्दी से जल्दी आपको चीजें समझ में आनी शुरू है। आप देखिएगा एक थोड़ा सा और बड़ा प्रश्न उठाते हैं जो आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करता हो, लेकिन ये आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आप इस प्रश्न को भी उठा के देखिएगा। एक और देते हैं, मैंने कहा 12.2325 दो पदों पर बार लगा है, प्लस मैंने कहा 16.9683 और यहां पे 3 पदों के ऊपर बार, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। अब आप देखिए तो यहां पे 2 पदों के ऊपर, यहां पे 3 पदों के ऊपर बार, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, मतलब यहां पदों को 6 बार। अब ऐसे प्रश्नों पर मुझे नॉर्मल लेवल पे कह दिया था करने को, मैं गारंटी लेता हूं कि निश्चित समय में निर्धारित समय में कोई जल्दी से नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो उसको बहुत समय लगेगा और फिर भी श्योर नहीं रहेगा कि वो सही उत्तर किया है गलत किया है। तो मैं आपको इसको फिर समझा देता हूं, देखिए कैसे किया जाएगा। इसके लिए फिर से आपको टेबल वैसे ही बनानी पड़ेगी जैसे मैंने आपको समझाया है। आपको उन पदों को निकालना पड़ेगा जिनके ऊपर बार नहीं लगे हैं, जैसे वहां से देखिए तो 12.3 है, 12.3 है ऐसा जिसके ऊपर बार नहीं लगा है,
आप उधर उठाइए तो 16.9 है, 16.9 है। अब अगर पदों की बात करिए तो यहां पे दो पद हैं, यहां पे तीन पद हैं, कुल मिला के 6 बार हमें यहां पे रिपीट करना पड़ेगा, मतलब हमें 2 5 2 5 और 2 5 6 बार लिखना पड़ेगा। वहां की बात है तो वहां पे मैं देखूं तो मेरे पास 683 683 683, फिर मुझे 3 बार 3 बार, मतलब 6 बार, 2 बार यहां भी मुझे लिखना पड़ेगा 2 5, यहां पे केवल 6 और 8 लिख करके आप छोड़ देंगे। अब आप डायरेक्ट जोड़िए, 8 5 13 कैरी 1 होता है, 6 2 8 1 9 होता है, 5 3 8 होता है, 8 2 10 कैरी 1 होता है, 6 5 11 11 कैरी 1 होता है, 3 2 5 1 6 होता है, 8 5 13 कैरी 1 होता है, 6 2 8 1 9 होता है, 9 3 12 1 होता है, 6 2 8 1 9 होता है, 1 1 2 होता है। तो पूरा उत्तर इतने बड़े प्रश्न का, जो कि आपके लिए बहुत ही दुविधा क्रिएट करने वाला प्रश्न था, आप तुरंत इसका उत्तर बता सकते हैं 29.293 6208। दो छोड़ दीजिए, बाकी पदों के ऊपर बार लगा के इस उत्तर को आप बता सकते हैं। आप कितने भी हाई लेवल का प्रश्न उठा लीजिए, आप इस मेथड के द्वारा बहुत ही जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर आराम से दे सकते हैं, चाहे जितना बड़ा प्रश्न आपके काम में आ जाए। आपके पास अगर 2 पद है तो ठीक है, अगर 3 पद है तो भी कोई समस्या नहीं है, 3 पद के प्रश्न को भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको उसका भी एक प्रश्न करके दिखा देता हूं कि कैसे 3 पदों के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं आपको 3 पद का भी एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको भी सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे दिया 2.56 के ऊपर बार, मुझे दिया 5.46 पूरे के ऊपर, मुझे दिया 9.321 और यहाँ पे 21 के ऊपर बार दिया। एक प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का भी उत्तर जब हम देने गए तो मैंने जब सोचा कि भाई भिन्न बनाएंगे तो फंस जाएंगे, तो भिन्न नहीं बना करके हम डायरेक्ट वही टेबुलर सिस्टम अप्लाई करेंगे जो हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं। लेकिन इसके पहले मुझे नोटिस करना पड़ेगा, यहां पे 1 पद पे, यहां पे 2 पद पे, यहां 2 पद पे, अर्थात एलसीएम केवल 2 होगा। अगर मान लीजिए हम 3 पद भी कर देते तो एलसीएम 6 हो जाता, लेकिन आप ना करें, आप अपने मन से एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, 2 पद 1 पद एलसीएम होगा 2, मतलब यहां पे बीच में मुझे 2 ही पद को रिपीट करना है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे नोटिस करना है कि कितने पद छूटे हुए हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। जैसे पहले देखिए 1 पद छूटा है, इसमें 1 भी पद छूटा नहीं है, मुझे यहां पे सब समान बैलेंस ही रखनी पड़ती है। यहां पे 1 पद छूटा है तो पहला तो बड़ा अच्छा है 2.5, अंतिम वाला भी बड़ा अच्छा है 9.3, बीच वाले में समस्या है क्योंकि 4 जो है वो इंक्लूडेड है बार में, लेकिन आप जब लिखेंगे तो स्पेस बढ़ाने के लिए आपको 4 यहां लिखना पड़ेगा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा 5.464646 बार रिपीट कर रहा है, अर्थात मुझे 4 को यहां पे लिख के दिखाना पड़ेगा। अब क्योंकि एलसीएम 2 आया है, अर्थात 2 2 बार पद को और रिपीट करना पड़ेगा, जैसे मुझे यहां पे 6 लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। यहां की बात करिए, 4 तो आप ले चुके हैं, जब 4 ले चुके हैं तो आपके पास 6, लेकिन 6 के बाद भैया 4 आएगा क्योंकि 4 6 4 6 4 6 हो रहा था, तो 6 4 के बाद देखिए 6 6 के बाद फिर से 4। अब यहां पे 3 हुआ था तो 2 बचा मेरे पास, 2 1 था। अच्छा, 2 2 पद मुझे यहां भी लेना पड़ता, उसकी उपयोगिता आपने देखी है और समझी है, अभी हमने इससे पहले आपको बताया, तो 2 2 पद रिपीट करने होते तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 6 हम लिखेंगे। इसकी बात करिए, 6 4 हो चुका है तो फिर से 6 4 लिख दीजिए और क्या, तो 6 4 हम फिर से लिख देते हैं, जबकि इसकी बात की जाए तो 2 1 लिख चुके हैं तो 2 1 फिर से आएगा। अब हम इनको फिर से नॉर्मल उसी तरह से जोड़ेंगे जैसे बाकी के प्रश्नों को जोड़ते आए, 6 4 10 1 11 कैरी 1, 6 6 12 2 14 1 15 कैरी 1, 6 1 7 4 11 1 12 कैरी 1, 6 1 7 7 6 13 2 15 कैरी 1, 5 6 6 4 10 10 3 13 कैरी 1, 2 1 3 3 5 8 8 9 7 कैरी 1, 17 नथिंग। मेरे पास पूरा उत्तर जो हो जाएगा वो 17.3 बाहर है 5 2 के ऊपर बार लगाएगा, 17.352 के ऊपर बार आपके इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी उसका लेवल हो, आपके लिए आसान है, आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि आप जल्दी से अब इन प्रश्नों को स्टेबुलर मेथड से आप आराम से कर सकते हैं। जोड़ तो ठीक, हटाओ के भी प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी किसी नए नियम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी प्रश्न का यूज घटाओ के प्रश्नों में भी, इसी तरीके का यूज घटाओ के प्रश्नों में भी कर सकते हैं। तो मैं घटाओ के प्रश्न को भी एक लेकर के आपको दिखा देता हूं कि घटाओ का प्रश्न अगर हम फेस करें तो कैसे कर सकते हैं। तो घटाओ के प्रश्नों में कोई भी छोटा मोटा बड़ा क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे उठाया 1.035, तो मैंने यहां पे 35 के ऊपर बार लगाया, 0.968 मैंने केवल 8 के ऊपर बार लगाया, केवल 8 के ऊपर बार लगाया है। मुझे इसको घटाने को नॉर्मली कहा जाए तो मेरे लिए बहुत ही टफ टास्क है, मैं रियली बता रहा हूं।
आप अगर करें तो आपके लिए भी बहुत टफ टास्क है, लेकिन जैसे इस प्रश्न को आप टेबुलर मेथड पे ले जाएंगे चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। कैसे करेंगे, देखिए आप एक टेबल बनाइए, देख लीजिए दो अंकों पे बार लगा है, दो अंकों पर बार लगा है तो जाहिर सी बात इसका दो इसका एक, तो एलसीएम होगा दो, तो बीच में पद आएंगे दो, लेकिन उससे पहले उन पदों को रिपीट करिए जो ऊपर बार नहीं लगा है। जैसे पहला 1.0, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं यहां दो पद है छूटे हुए, तो जाहिर सी बात मुझे यहां दो पद लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें 0.96 लिया गया है, मतलब दो पद आपके दशमलव के बाद ही है लेकिन ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, तो जैसी बात यहां भी मुझे दो पद लिख करके दिखाना पड़ेगा। जीरो के बाद 3535 हो रहा था तो मैंने तीन मांग लिया तो यहां की शुरुआत पांच से होगी, लेकिन पांच के तुरंत बाद तीन आएगा क्योंकि 3535 से तो आप थ्री को निकाला था, और दो ही बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एलसीएम इनका क्या हो रहा है, दो हो रहा है, एलसीएम इनका दो हो रहा है। अच्छा, यहां भी आपको दो बार पदों को रिपीट करना पड़ेगा, तो एक बार फाइव आएगा फिर आपका थ्री आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तो सिंपल है क्योंकि आठ ही है, तो आठ 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 पदों को यहां पर रिपीट करिए। जब मैंने घटाया इनको तो 13 से 8 भैया 5 होता है, 14 से 8 6 होता है, आप समझते जा रहे हैं कैसे हम करें, 12 से 8 4 होता है, जैसे नॉर्मल घटाव हो रहा है उसी तरह से घटाते जाइए, टेबल एबल बॉक्स उतार दीजिए करें। 12 से 8 4 हुआ, 14 से 8 6 हुआ, देखिएगा 12 से 6 6 हुआ, यहां पे आपका बच जाएगा, अगर हम 12 करेंगे तो यहां पे आपके पास हो जाएगा 10, तो 10 से 9 मतलब एक तरह से यहां पे आपने 10 बनाया था, 10 में से अब 9 बचेगा, 9 में से 9 शून्य हो जाएगा और यहां पे शून्य बच जाएगा, आपके पास जो वैल्यू बचेगी 0.0664 के ऊपर बार लग जाएगा। एक बार फिर से कंफर्म करिएगा, 13 से 8 5 हुआ, 13 से 8 के बाद 14 से 8 6 हुआ, 12 से 8 4 हुआ, 14 से 8 6 हुआ, 14 के बाद यहां से 6 आपका 6 हुआ, यहां पे आपका 10 बना था, 10 के बचा 9, 9 में से आप बचा कितना 0, तो 0.0664, तो 64 के ऊपर आपका बार ये सही उत्तर माना जाएगा। तो आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व किया और समझा। घटाव का अगर एक प्रश्न और उठाएं तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं घटाव का, छोटा सा प्रश्न लेकिन आपकी उपयोगिता के लिए बेहतरीन है, आप समझ लीजिए कि जिसों को हम लोग जल्दी से कर पाए। एक छोटा सा क्वेश्चन और उठाते हैं जिसमें हमने लिखा 1.23 के ऊपर बार 0.257 या 25 हमने सिंपली लिखा इसके ऊपर बार, एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन इसको भी हम सॉल्व करें उसी टेबुलर मेथड से तो बड़ी आसानी से इसका उत्तर लोग यहां पे आराम से दे सकते हैं। यहां पे एक पद के ऊपर है, यहां पे एक पद के ऊपर, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप रखें चीजों को तो थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन से हमने 1.2 लिखा जो पद के ऊपर बार नहीं लगा था, 0.2 लिखा इसके ऊपर भी बार नहीं था, तीन अपने आप को दोहरा रहा था तो एक ही बार लिखने की जरूरत है, दो बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, यहां पे पांच लिखा चाहिए, पांच, और यहां पे भी आप तीन लिखिए, फिर तीन लिखिए, यहां पांच लिखिए, पांच लिखिए, भले ही इनका कोई प्रयोग ना हो लेकिन इनको आपको जैसे बताया जा रहा है वैसे लिख करके दिखाना है। 13 से 5 8 होता है, 12 से 5 7 होता है, 13 से 5 8 होता है, 12 से 5 7 होता है, यहां भी 12 से 5 7 होता है, और 7 के बाद आप समझ सकते हैं 11 से 2 9 होता है, 0 हो गया, तो जाहिर सी बात उत्तर 0.97 के ऊपर बार आपका सही उत्तर मानेगा। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आपको ये बेहतरीन तरीके से चीजें अगर समझ में आ गई हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपके एग्जाम में आप इनसे एक दो भी प्रश्न कर सकते हैं, चाहे वो सीबीटी 1 का हो चाहे सीबीटी 2 का हो, मैं पूरा दावा पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में फंसाते हैं जो बड़े लेवल के माने जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं फिर से आपको देना चाहूंगा कि हम लोग की एनटीपीसी की बैचेस सुचारू रूप से चलने की कगार पे हैं, चीजें आपकी पूरी फाइनल हो गई हैं। अच्छा, मैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा सूचना आपको दूं, मैं उन लोगों के लिए जो हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मैसेजेस ऑलरेडी आए हैं और हमारी टीम उनको लगातार उत्तर देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, इसलिए अगर आपको थोड़ा सा डिले भी होता है मैसेजेस रिटर्न होने में, आपको रिप्लाई होने में, तो आप थोड़ा सा गंभीरता बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, आपको जरूर से जरूर बहुत जल्दी जल्दी उत्तर दिया जाएगा। पहली चीज मैं उनका स्वागत करूंगा जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दूसरी चीज उनके लिए स्वागत करूंगा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस टीम का, आप जिसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको समझ रहे हैं, रवि सर जिसका कोई जवाब नहीं है, जो ऑलरेडी इस टीम का संचालन कर रहे हैं, हम लोग सब लोग रवि सर के ही मार्गदर्शन में चीजों को पढ़ा रहे हैं, आलोक सर के ही मार्गदर्शन में हम लोग इस बैच को रन कर रहे हैं, तो रवि सर के ही चीजों को हम लोग एक तरह से उन्हीं की चीजों को फॉलो करते हैं, वो जैसे निर्देश करते हैं, जैसे चीजों को निर्देशित करते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पे हर चीज को कंटिन्यू करते हैं।
तो आपको रवि सर की प्रतिभा पे कोई संदेह नहीं है, आलोक सर की प्रतिभा पे कोई संदेह नहीं है, तो हम लोग की प्रतिभा पे आपको संदेह नहीं होना चाहिए। हम लोग भी उसी तरह से उन चीजों को लेकर के कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से उन तमाम अभ्यर्थियों का जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए फिर से मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर जो हम लोग बार बार आपको बताते चले आए हैं उसको फिर से आपको इंडिकेट करना चाहूंगा, उसको फिर से मैं आपको निर्देशित करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह से उन नंबर्स में प्रॉब्लम है तो उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। नंबर आपका है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9118608606677। ये हमारा व्हाट्सएप, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 9118606677। तो इस नंबर पे आपको कुछ नहीं, केवल एनटीपी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एनटीपीसी एंट्री लिख करके आप हम मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जैसे ही हमारी टेक्निकल टीम आपके इस मैसेज को रीड करेगी थोड़े ही समय के बाद आपका मैसेज क्यू में आ जाएगा, पंक्ति में आ जाएगा और उस प्रश्न का, उस आपके मैसेज का उत्तर तुरंत हमारी टेक्निकल टीम देने का प्रयास करेगी। तो ऐसे तमाम कंफ्यूजन्स के लिए मैं फिर से आपको एक बार यही निर्देश देना चाहूंगा कि पूरा विश्वास बनाए रखें, फेथ बनाए रखें, गारंटी और वादे के साथ कह रहे हैं कि अगर ये निर्देशन रवि सर और आलोक सर का चल रहा है तो हम लोग उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। अपने अपने सब्जेक्ट्स के सारे टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स में बेहतर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इतना वादा करते हैं कि अगर सही सही आप लोग करके आते हैं तो मैं आपको जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी दे दूं कि आप सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं चीजें आपने सीखी होंगी, समझी होंगी। थैंक यू।